बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम वर्ल्ड ओबेसिटी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसके हिसाब से मैं आपको कुछ चंद बातें बताना चाहूँगा। दुनिया में, खासतौर यूरोप और अमेरिका में मोटापे का बहुत ज़्यादा रुझान है और वहाँ पे अवेयरनेस भी है और हम लोगों की अवेयरनेस कम है, और इस चीज़ को बताने के लिए हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों को, वालदैन को ये समझाएं कि भाई वज़न एक बुरी चीज़ है और वज़न बढ़ाना आसान है लेकिन उसको कम करना काफ़ी मुश्किल है। तो हम कोशिश करें कि वज़न बढ़े नहीं, अगर बढ़ गया है तो उसको कम कैसे किया जाए। वज़न बढ़ने की वजह खुराक है। जो चीज़ हम खाते हैं हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता कि हमें कितना खाना चाहिए, हमारी बॉडी को कितनी ज़रूरत है। हमारे जिस्म में फैट के सेल्स हैं जहाँ पे स्टोर होता है एनर्जी हमारी, और इस अल्लाह मियां ने हमारे इस फैट सेल के अंदर कैपेसिटी रखी है कि वो अपने से हजार गुना बड़ा भी हो सकता है। अगर हम जरूरत से ज़्यादा खाएंगे तो वो स्टोर होगा जिससे मोटापा बढ़ता है। मोटापे की वजह से बहुत सी बीमारियाँ हो सकती हैं जिसमें नंबर वन जो है शुगर, उसके बाद हड्डियों की कमजोरी, हड्डियों पर जोर, बच्चियों जो होती हैं शादी की एज की उनको इनफर्टिलिटीज़ के इश्यूज होते हैं, ज़्यादा वज़न बढ़ जाए तो सांस में तकलीफ हो जाती है, लोगों को बैठे बैठे नींद आने लगती है, जिनकी वजह से बहुत सी खतरनाक सूरत हाल भी हो सकती है। हमारे बच्चों को एडवाइस ये है कि जो चीज़ भी खा रहे हों और जो वालदैन उनको दें उनमें हेल्दी फूड खाना ज़रूरी है। जो भी प्रोसेस फूड है, जो डब्बे में फूड होता है उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। हम नेचुरल फूड्स को अवॉइड कर रहे होते हैं। हर चीज़ जो रेडीमेड होती है उसमें कैलोरीज का कुछ अंदाज़ा नहीं होता। जंक फूड की वजह से बच्चे हमारी एक बुरी आदत में पड़ जाते हैं और ये आदतें माँ बाप के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को डील करते हैं। बच्चों को तो आदत डालना आसान है लेकिन बड़ों की एक समझ में आना चाहिए कि बच्चों को जो डाइट दें उस पर ख्याल रखें कि हेल्दी फूड हो।